एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला खुद को जलता ही है और दूसरे को भी जलाता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां एक व्यक्ति भी बैठा था जो स्वभाव से ही क्रोधित था। उसे बुद्ध की ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। बुद्ध ये सुनकर ना ही क्रोधित हुए और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने किए गए बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। पर बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक दूसरे गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां जा पहुंचा। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़ आया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया और तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सब सुनकर उस व्यक्ति के मन का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर क्रोध को त्यागा और बुद्ध ने उसके सर पर हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम अतीत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का ज्ञान हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सरल बनाना चाहिए।